हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषि मलिक है एंड आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा रिलायंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज ए के बारे में, जो एट प्रेजेंटली न्यू फंड ऑफरिंग रहेगा, मतलब एनएफओ के कैटेगरी में रहेगा। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो एनएफओ के अंदर, तो उस केस में आपका जो बेसिक वैल्यू होता है वो एनएफओ में 10 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ फंड, तो आपका बेसिक वैल्यू रहता है 10 रुपये ओनली। तो उस केस में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं रिलायंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज ए के अंदर, जो अभी के समय पर 21 सितंबर पे बंद हो जाएगा, एंड इंसेप्शन डेट जो था इसका वो 7 सितंबर था। एंड अभी के समय से मैं आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा एज अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर एग्जिट लोड एंड रिटर्न्स। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड न्यू फंड ऑफरिंग्स। तो अगर बात करता हूँ रिलायंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज ए के बारे में, तो ये एक एनएफओ रहेगा, न्यू फंड ऑफरिंग, जिसका एनएवी एट प्रेजेंटली 10 रुपीज़ का रहेगा। एंड उसी के बाद अगर बात करता हूँ इस फंड की इनिशियल डेट का, तो 7 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था मार्केट के अंदर आपके पैसे को लगाने के लिए, एंड जो एंडिंग डेट है वो 21 सितंबर 2018 रहेगा। एंड अगर एज अकॉर्डिंग टू रिस्क पोर्टफोलियो या रिस्क कैटेगरी के हिसाब से बात करता हूँ, तो मॉडरेटली हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि आपका टोटल जो पैसा है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन में जा रहा है, एंड विद दैट मल्टी कैप कैटेगरी फंड्स रहेंगे इस प्लान के अंदर। और उसी के साथ अगर बात करता हूँ एज अकॉर्डिंग टू एंट्री लोड या एग्जिट लोड या चार्जेस, तो एट प्रेजेंटली आपका एंट्री लोड भी ज़ीरो रहेगा एंड एग्जिट लोड भी ज़ीरो रहेगा। एंड उसी के साथ अगर बात करता हूँ एज अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर नेम शैलेश राजन भान जी को अभी के समय पर 15 to 20 ईयर्स का मार्केट का एक्सपीरियंस है एज अकॉर्डिंग टू मार्केट फ्लक्चुएशन एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज एंड डेप्ट फंड। एंड अब अगर बात करता हूँ इस फंड के ऑब्जेक्टिव की, तो आप देख ही पा रहे होंगे द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन टू द इन्वेस्टर विच विल बी इन लाइन विद देयर लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्लान के अंदर एट प्रेजेंटली लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, इट मीन्स 5 to 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस केस में डेफिनेटली एक अच्छा कॉर्पस वैल्यू आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि एट प्रेजेंटली अभी के समय पर इसका जो एनएवी है, नेट असेट वैल्यू या यूनिट प्राइस, सिर्फ से सिर्फ 10 रुपये का रहेगा मार्केट के अंदर। एंड अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इजीली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। जस्ट आपको रिलायंस एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है ऐप स्टोर या अपने प्ले स्टोर से, एंड उसके बाद अपने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स एज लाइक योर ईमेल आईडी एंड योर पासवर्ड आपको रजिस्टर करना रहेगा, एंड आपका एक पैन कार्ड लगेगा और आपका इन्वेस्टमेंट बुक हो जाएगा इस फंड के अंदर। एंड 22 सितंबर 2018 से आपको मेजरली अपडेट आते रहेंगे एज अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इट फंड के बारे में। एंड उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, अब बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉल एक्सपोजर टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब यह है कि आपको एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिटर्न से या इंटरेस्ट रेट से आपको रिटर्न भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट उसी के साथ आपका इक्विटी पार्टिसिपेशन पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड रहेगा इस प्लान के अंदर। एंड उसी के साथ बताना चाहूँगा, ऑल्दो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न्स, द ऑब्जेक्टिव मे और मे नॉट बी अचीव्ड। मतलब यह है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस प्लान के अंदर, तो उस केस में कंपनी आपको श्योरिटी या गारंटी कभी भी नहीं देगी, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी पार्टिसिपेशन में है। तो इसीलिए ही कंपनी ने अपने वेबसाइट पे और अपनी एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड और मे नॉट बी ऑल्सो अचीव्ड, तो उसमें आपको कोई गारंटी नहीं दी जा रही। बट अगर आप एक एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एट प्रेजेंटली 10 रुपीज़ का एनएवी है, अगर एनएवी 12 रुपये या 18 रुपये या 20 रुपये भी जाता है, और उस केस में भी आप एक सेल आउट कर देते हैं अपने म्यूचुअल फंड को या एनएफओ को, उस केस में भी आप एक अच्छा कॉर्पस वैल्यू जनरेट कर लेते हैं
मार्केट से। तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर एक एनएफओ न्यू फंड ऑफरिंग देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस केस में रिलायंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज ए इज़ द बेस्ट वन एज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम एंड एज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट फ्लक्चुएशन। क्योंकि मार्केट में एट प्रेजेंटली अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिकमेंड करूंगा मल्टी कैप फंड्स में जितना इन्वेस्टमेंट हो सके उतना इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप कैटेगरी फंड्स के अंदर स्टार्ट करिए आप अभी के समय से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है आपके माइंड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।